गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सबसे पहले रिवीजन करते हैं। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि आपको बताया था, हमको यदि हमको सी ड्राइव में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी बैक स्लैश का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, सी ड्राइव में आ गए। अब हमको यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कमांड बताया था, एमडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। देखिए क्रिएट हो गई। प्रकार से यदि हमको डायरेक्टरी अपनी देखनी है तो हम लोगों क्या कमांड बताया था डॉस में, डी आई आर। देखिए जितनी भी डायरेक्टरी बनी हुई है वो आपको शो हो रही है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बनाई पीपी, ये देखिए दिख रही है आपको, आज की डेट हो गया इसमें 3 तारीख, 5वां महीना 2021, समय हो गया, डायरेक्टरी का नाम हो गया। स्क्रीन को बड़ा करना है, यहाँ से हम लोग स्क्रीन बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्लियर है। फिर हमने किया सी डी, डायरेक्टरी को ओपन करना है, सी डी एम पी पी। यहाँ पे डी आई आर किया, यहाँ आपको डॉट और डॉट डॉट डायरेक्टरी आपको शो हो रही है। क्लियर है। इसी प्रकार से फिर से हमको डायरेक्टरी बनानी है। हमने क्या किया, एमडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम, अब यहाँ डीआईआर करेंगे, बन गई। ये देखिए आपको शो हो रही होगी। इस डायरेक्टरी में हमको फिर से इसके अंदर जाना, हम लोग क्या करेंगे, फिर सी डी स्पेस, इस डायरेक्टरी से बाहर जाना है तो सी डी डॉट डॉट। क्लियर, डी आई आर किए। इसी प्रकार ये हमारा डायरेक्टरी बनाने का हुआ। फाइल बनाना तो हम लोग क्या यूज करते थे, अब आप लोग लाइनक्स और डॉस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपने आपको लाइनक्स के भी कमांड बताए हैं, डॉस के कमांड भी बताए थे, मैं आपको फिर से रिवीजन इसलिए स्टार्ट किया हूँ। फिर क्या कमांड होगा, इट इज डेमो, कंट्रोल जेड से सेव करेंगे, इंटर किया, ये देखिए डी आई आर किया। बनी फाइल नहीं बनी, फिर से देखते हैं। एक हमने आपको कमांड बताया था हेल्प, ये देखिए बताया था,
cls कमांड क्या करेगा स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, हमने क्या कमांड बताया फाइल बनाने के लिए, कॉपी कॉन, स्पेस, डायरेक्टरी का नाम इट इज कंट्रोल जेड से सेव किया, डीआईआर किया, बन गई फाइल, क्लियर है। मैंने आपको कमांड बताया था हेल्प कमांड, उसका यूज करके देखते हैं। हेल्प कमांड क्या करता है, जो भी आपके टॉस से संबंधित जो हेल्प है ये सब हम लोग कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले टॉप पे देखते हैं, देख रहे हैं सी डी डिस्प्ले द नेम ऑफ चेंज डायरेक्टरी नेम, सी एल एस क्लियर द स्क्रीन, ये आपको मैंने बताया, कॉपी आगे बताएंगे, ठीक है। हमने जो फाइल बनाई है इसके कंटेंट को देखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइप स्पेस F1, हमने ये लिखा था फाइल में, क्लियर है। ओके, हमने यहाँ पे देखिए हमने DIR किया, हमने एक जी फाइल बनाई उसको भी देखना क्या यूज करेंगे, टाइप ठीक है, फिर DIR किया, दो फाइलें हमने बनाई, तीसरी फाइल बनानी फिर वही कमांड होगा क्या, कॉपी कॉन स्पेस F2, इट इज F2 फाइल, सेव करने के लिए कंट्रोल जेड, कंट्रोल के साथ जेड के प्रेस करेंगे, इससे हमारी क्या होगी फाइल सेव होती है, जो इसको हमने कंटेंट लिखे हुए हैं ये कंटेंट कहाँ सेव होगी, F2, ये जो आपका F2 है ये आपका फाइल नेम है, ये देखिए DIR किया, या गया, और ये जो आपके 21 है ये आपके इतने बाइट्स हैं जितने हमने फाइल में लिखे हुए हैं, क्लियर है। इस प्रकार से हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं। अब हमको इसका टाइम देखना है अपने सिस्टम का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम कमांड देंगे, ये देखिए सॉरी टाइम, जो आपका सिस्टम का करंट टाइम है वो आपका करंट टाइम शो हो रहा है, यहाँ से हम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, नहीं करना इंटर कर देंगे आपका उसी में आ जाएगा, ठीक है। डेट कमांड करंट डेट शो करेगा, ये देखिए MMDDYY के फॉर्मेट में, MMDY मतलब पहले मंथ फिर डे फिर आपका ईयर, नहीं चेंज करना, क्लियर है। हमने आज आपको कौन कौन से कमांड बताए, CD, MKDIR या MD, कैट कमांड, सॉरी कैट कॉपी कॉन कमांड, कैट कमांड आपके किसमें था लाइनक्स में होता है, और डेट टाइम और टाइप कमांड, ठीक है। आप लोग अपने घर में इसको रिवीजन करिए या फिर रिवीजन क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर इसको हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्लियर। अब इसको विंडो को बंद करना क्या यूज करेंगे, एग्जिट EXIT